ज्ञानी मंत्री है, उनको ज्ञान सीखने की आवश्यकता है। ज्ञानी शिक्षा मंत्री है, उन्हें ज्ञान सीखने की जरूरत। माफी। बिहार में रामचरितमानस को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। जिस तरीके से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया और अब इसको लेकर विपक्ष उनके ऊपर पूरी तरह से हमलावर है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शिक्षा मंत्री को अज्ञानी बता दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। शासक और भारत का एक ज्ञान का तंत्र है। रामचरितमानस के बारे में जिस मंत्री ने इस बात को कहा है वो अभी क्या है, अज्ञानी मंत्री है, उनको ज्ञान सीखने की आवश्यकता है। नहीं तो वो लगातार अपने बयान पे अडिग है, बाबा बोल रहे हैं। लगता है कि ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर ये जो चोट उन्होंने पहुंचाया है, ये सनातन धर्मावलंबी कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनातन धर्म में रामचरितमानस वो केवल एक धर्म के लिए नहीं, मनुष्य के जीवन को जीने के लिए राह बताया गया है। ये अज्ञानी शिक्षा मंत्री है, उन्हें ज्ञान सीखने की जरूरत। माफी मांगने के लिए तैयार है? माफी मांगना चाहिए, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। आप लोग किस रूप में विरोध करेंगे बाबा, आप लोग क्या विरोध करेंगे? विरोध तो मैंने कहा जब अज्ञानी हो, अब अज्ञानी के पास विरोध की बात क्या है? अज्ञानी है, उनको ज्ञान सीखना चाहिए। वो कहते हैं कि वो जाति वर्ण व्यवस्था के बारे में जो लिखा हुआ है वो गलत है। रामचरितमानस में कहीं जाति वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कही गई है। रामचरितमानस राम का आदर्श है, राम के जीवन का आदर्श है, जो लोकतंत्र के आज के लोकतंत्र के लिए समीचीन है। सीधे तौर पर अश्विनी चौबे ने कहा है कि उन्हें ज्ञान लेने की जरूरत है। रामचरितमानस में कहीं भी जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा था कि रामचरितमानस जो है वो जाति के बीच में जो विवाद पैदा कर रही है और इससे भारत के विकास नहीं हो पाएगा, और इसको लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि उन्हें ज्ञान लेने की जरूरत है। रामचरितमानस में कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, वो अज्ञानी है और अज्ञानी का हम क्या विरोध करेंगे, उन्हें ज्ञान लेने की जरूरत है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, एच डी न्यूज़ पटना।